गाइस आज के बाद पाटिल और शिंपी सीरियसली बोल रही हूँ, आज के बाद ये दोनों गेम नहीं खेलेंगे, बिकॉज मेरा जस्ट स्टार्टिंग भी बोला था कि अगर इन्होंने मेरे किसी भी एक क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया या फिर उठपटांग आंसर दिया, ठीक है, तो ये आज के बाद में फ्री फायर खेलना बंद, इन दोनों की फैमिली से मैं बात करने वाली हूँ कि बेसिकली इन दोनों को गेम नहीं खेलने दे आज के बाद में। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, क्या होता है डायमंड जी, क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस यार आज की वीडियो सीरियसली बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है, सो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक जरूर से देखना, चाहे आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, बट एक शेयर प्लीज जरूर से करना, बिकॉज इस वीडियो में काफी ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है जो इन फ्यूचर काफी बच्चों के लिए काम आने वाली। मैं आप लोगों को पता है मैं कितने बच्चों के साथ में वीडियोस बनाती रहती हूँ, ठीक है, पाटिल और शिंपी ऑलवेज मेरे साथ में रहते हैं, तो अभी जैसे कि जो सिचुएशन यहाँ पे फ्री फायर की चल रही है, काफी सारे लोग मतलब बच्चों की सुनने में आता है कि सुसाइड करने वाले जो चीजें सामने आ रही हैं, किसी बच्चे ने डायमंड्स के लिए किसी यूट्यूबर पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती जा रही है, मतलब लाइक आईडी स्कैम की भी अगर चीजें बात सामने आए तो बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है सिचुएशंस, तो उसकी वजह से ना गाइस मतलब बहुत ज्यादा आगे हम लोगों को दिक्कत आने वाली है, कहीं ये ना हो कि आज तो फ्री फायर चल रहा है बट जो चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसकी वजह से जहाँ हम इंजॉयमेंट के लिए गेम खेलते हैं वह गेम ही पूरा का पूरा बैन हो जाए। जैसे कि सो बेसिकली गाइस मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि भैया मैं पाटिल और शिंपी दोनों को बुलाने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछने वाली हूँ, अगर वो मेरे को कोई भी गलत क्वेश्चंस का आंसर दिए तो उनका ये लास्ट डे होगा आज फ्री फायर खेलने का, ठीक है, एंड उसी के साथ में कुछ यूट्यूबर्स को भी मैं इंक्लूड करने वाली हूँ इस वीडियो में कि भैया जो सिचुएशंस आज के टाइम में चल रही है, ठीक है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर उन लोगों का क्या ओपिनियन है, सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एंड मेरी तरफ से जो मेरा ओपिनियन है गाइस मैं बताना चाहूंगी, ठीक है, डायमंड्स के पीछे मत भागो, ठीक है, अगर इंस्पायर होना ही है तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर से बनो, डायमंड्स में कुछ नहीं रखा, उन लोगों से सीखो, वो डायमंड्स के पीछे नहीं भागते, वो गेम प्ले के पीछे भागते, सो मेन मोटिव चीज आज के टाइम में ई स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो हो रहा है और आगे भी होगा, सो बेसिकली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि गाइस डायमंड के पीछे मत भागो, डायमंड कोई मतलब नहीं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास डायमंड्स है, जिनको फ्री में डायमंड्स मिलते हैं उनको उड़ाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, मैं भी आज के टाइम में बहुत कम कर दिया इवेंट्स, मैं भी इतना नहीं खरीदती हूँ, अगर होता है तो मैं कुछ इवेंट्स खरीद लेती हूँ, बाकी अदरवाइज नहीं। पाटिल शिंपी को मैं कितने डायमंड देती हूँ मंथली वो भी आप लोगों को क्लियरली सामने बता देंगे कि भैया कितना मैं उनको प्रोवाइड कराती हूँ, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पाटिल और शिंपी को जल्द इनवाइट कर लेती हूँ, एंड एक ही रिक्वेस्ट आपसे प्लीज शेयर जरूर से कर देना, अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर जो बच्चे आपके साथ खेलते हैं आपके दोस्त हैं उनको भी एटलीस्ट शेयर कर देना ताकि वो ये चीज समझे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या चीजें हम लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइस मैंने पाटिल और शिंपी दोनों को ही बुला लिया है, ठीक है, अब होने वाला इन दोनों का टेस्ट, अगर इन लोगों ने कुछ भी गलत जवाब दिया तो आज के बाद से पाटिल और शिंपी दोनों ही फ्री फायर बिल्कुल छोड़ने वाले, क्योंकि दोनों की फैमिली मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, और दोनों की फैमिली को मैं बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकती हूँ, दोनों को बताया ना पाटिल है ना शिंपी, चलो ना दीदी मोटी तो क्या करोगी इसको हर चीज में गाइस कहीं पे भी कुछ भी सीरियस कुछ सीरियस चीज बोलो ना मैं इसको कि हाँ भाई सीरियस कुछ भी चीज है, ठीक है, मैं तुझसे कुछ पूछने वाली, तो भाई उस चीज को भी मजाक में लेके जाना होता है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों से पूछते हैं, ठीक है, पाटिल शिंपी मैं तुम दोनों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, ठीक है, कि आज के टाइम में मतलब जितने ये चीजें हो रही है भाई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, डायमंड्स के लिए, ठीक है, और मतलब आईडी स्कैम में भी मतलब लोग फंस जाते हैं या फिर ना मतलब वो चीजें होती है ये डायमंड परचेज करने के लिए, बच्चे घर पे चोरी कर रहे हैं, ठीक है, इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो तुम लोग, क्या मतलब क्या ओपिनियन है तुम्हारा, ये चीजें सही है या चीजें करनी चाहिए क्या, फिर डायमंड के लिए सिर्फ इतनी सारी चीजें करना जरूरी है? अरे नहीं करनी चाहिए, एक तो पहले अपना आईडी पास मत दो, तो वो तो पक्का स्कैम होने ही वाला है, तो दो ही मत आईडी पासवर्ड, दोगे तो फिर पता चल जाएगा, फिर इसी वजह से ये सब केसेस आ रहे, तो अब क्या ही कहे इसके बारे में। ओके, जो बच्चे सुसाइड करते डायमंड के लिए या चोरी करते घर पे, ठीक है, उसके बारे में तू क्या सोचता है, क्या लगता है ये सब चीजें सही है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या इतने एडिक्ट होना जरूरी किसी चीज के लिए कि भैया मतलब हम घर पे भी चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और ये सुसाइड वाली? अच्छा अच्छा ठीक है, एक चीज मैं तुझसे पूछू, तेरा डेली रूटीन क्या है, तू कितने घंटे गेम को देता है, कितने घंटे अपने घर पे काम करता है, अपनी मम्मी की हेल्प करता है या फिर पढ़ाई को कितना टाइम देता है, वो अपना डेली रूटीन बता पाटिल, सुबह उठते से क्या करता है, वहां से डेली रूटीन स्टार्ट करो। ब्रश आगे आगे फिर क्लास होती है वो करके फिर नहाने जाता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ, फिर एक और क्लास, फिर क्लास ही क्लास,
फिर पढ़ाई करता हूँ 3 आवर्स। ओके। फिर लैला दीदी बुला लेती है, आजा खेलने। ओके। फिर मैं खेलने जाता हूँ, फिर मेरे दोस्त आ जाते हैं, वो आजा खेलने, तो फिर मैं उनके साथ खेलता हूँ, फिर खेलता हूँ गेम। ओके, सो गाइस देख सकते हो पाटिल की डेली रूटीन में भी ये नहीं कि सिर्फ ओनली गेम गेम है, ठीक है, वो डेली जैसे अपन घर के बाहर जाके गेम्स खेलने होते वो भी ये चीज खेलता है, ठीक है। एंड आई थिंक सो मैंने सुना पाटिल तो मम्मी की भी हेल्प करता है कभी, मैंने बीच में इसको देखा था, मतलब ये घर पे मम्मी के लिए वड़ा पाव बना के खिला रहा था मम्मी को, एक दिन मेरे को फोटो खींच के भेज रहा था ये। तो ये गाइस घर पे झाड़ू भी लगाता है, ठीक है, वड़ा पाव भी बनाता है, ठीक है, सारी चीजें करता है, मींस पढ़ाई भी सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट। कौन बनाता है कुछ भी? तो क्या बना के भेजा था ना उस दिन मेरे को, क्या बना रहा था तू? अरे वो पाव, अच्छा पाव भाजी थी, सॉरी, हाँ ठीक है ना यार, बड़ा पाव भाजी, ठीक है, थोड़ा ठीक इधर उधर निकल गए ना, ठीक है। ओके, अब शिम्पी तुझसे पूछ रहे हैं कि शिम्पी तेरा क्या ओपिनियन है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे मोहतरमा? अरे एक तो हमारे पाटले सही बना था कि आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब स्कैम आसानी से हो सकता है ना, तो नहीं देना चाहिए। और घर पे चोरी यार वो तो क्या ही बोला, वो तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी। ओके, और टॉप अप में पैसा लगाते हैं वो दूसरे चीजों अच्छे कामों में भी लगा सकते हैं, वो भी इतना डायमंड टॉप अप करके भी क्या होगा। ओके, क्या क्या अच्छी चीजें क्या सोचते हैं कहाँ पे लगाने चाहिए, अगर पैसे हैं हमारे पास हम इन्वेस्ट करते तो कहाँ लगाने चाहिए अच्छी चीजों में? जैसे कि मतलब जिसको भी बुक्स पढ़ना मतलब अच्छा लगता है, जैसे स्टोरी बुक, वो सभी भी मतलब खरीद के पढ़ सकते हैं वो लोग, बहुत कुछ अच्छा है, घर पे भी बहुत कुछ वो कर सकते हैं ना, जितने भी पैसे वो लोग गेम्स में लगाते हैं। नाइस नाइस नाइस। ओके, डेली रूटीन में तेरा क्या रूटीन रहता है? मेरा जैसे मेरा 2 ट्यूशन होता है, तो सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके ट्यूशन होता है, ट्यूशन करते हैं, फिर मेरा क्लास होता है वो करके नहाड़ा वगैरह करके फिर आती हूँ, आके और एक क्लास होता है, उसके बाद थोड़ा सा गेम खेल के फिर दोपहर को और एक क्लास मतलब ट्यूशन होता है, वही ट्यूशन करके बाद में तो फिर होमवर्क वगैरह होते हैं वो सब कंप्लीट करके रात को गेम। ओके, सो गाइस अब इन दोनों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ कि मैं तुम लोगों को जैसे मगर मैं चाहूँ तो भाई मैं अगर डायमंड उड़ाती भी हूँ कुछ भी करती हूँ, ठीक है, तो मैं इन दोनों को मंथली कितना डायमंड देती हूँ तुम दोनों ही बता दो। पार्टी जी मैं तुमको कितना मंथली डायमंड देती हूँ मैं? 1 करोड़। ये सब झूठ है भाई, मेरे खुद के पास नहीं 1 करोड़, झूठा साला। मेरे को 10 करोड़। मेरे को 10 करोड़ भाई, सच बोलो भाई। भाई मैंने तुमको कुछ नहीं बोला भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग भाई? 500 रुपए के तुरतुरे, अगर कोई अच्छा इवेंट हो तो 1000 रुपए के तुरतुरे। गाइस आज के बाद पाटिल और शिम्पी सीरियसली बोल रही हूँ, आज के बाद ये दोनों गेम नहीं खेलेंगे, बिकॉज मेरा जस्ट स्टार्टिंग में बोला था कि अगर इन्होंने मेरे किसी भी एक क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया या फिर उठपटांग आंसर दिया, ठीक है, तो ये आज के बाद में फ्री फायर खेलना बंद, इन दोनों की फैमिली से मैं बात करने वाली हूँ कि बेसिकली इन दोनों को गेम नहीं खेलने दे आज के बाद में। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, क्या होता है डायमंड जी, क्या है? नहीं, तुम दोनों आज के बाद खेलने ही नहीं वाले हो, बस ये लास्ट डे था, तुम जहाँ तुम खेल रहे हो, ठीक है, आज के बाद तुम दोनों नहीं खेलने वाले। अरे नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कैसे मैं बता देती हूँ इनको, मंथली मैं सिर्फ लाइट पास दिलाती हूँ, इसके अलावा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो इन लोगों ने खरीदा हो मैंने लिया हो, ठीक है, अभी के इवेंट मैं बहुत कम करती हूँ, ठीक है, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता है, फालतू का डायमंड उड़ाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों का ओपिनियन आप लोगों ने समझ लिया, इन लोगों की चीजें समझ ली, आप लोगों को होपफुली अच्छी लगी होगी। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं प्लीज कृपया करके फॉलो करें, ठीक है, आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, बाहर जो एक्टिविटीज होती है गेम प्लेस की वो आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है, एक डायमंड वायमंड गेम प्ले कुछ नहीं रखा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए खेलो दैट इज ओके, बट नॉट इसको अपनी हैबिट मत बनाओ, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, सो गाइस अभी हम आवारा भाई से भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में, ठीक है, उनको इनवाइट कर लेती हूँ। हेलो, कि आज के टाइम में जैसे बच्चे मतलब इधर डायमंड्स के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, लाइक कोई सुसाइड कर रहा है, तो कोई यहाँ पे घर पे चोरी कर रहा है, कोई किसी ना किसी को हार्म कर रहा है, तो उस चीज पे आपका क्या ओपिनियन है, मतलब ये चीजें करना सही है या गलत है, या फिर इस चीज को कैसे सही किया जा सकता है, क्या ओपिनियन है आपका इस चीज पे? देखो मैं इस पे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा मैम, कि देखो ये सब करके ना कुछ नहीं मिलेगा, ये सब एक अगर 2 दिन का शौक है, ठीक है, अगर कोई आप किसी को चोरी करके ड्रेस निकाल लोगे, अगर ये कर लोगे, मीन्स अगर कोई बंडल निकाल लोगे, गन निकाल लोगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का काम है, गन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको गेम खेलना है तो मैं तो बस आपको यही सजेस्ट करूंगा, गेम खेलना है तो ई स्पोर्ट्स के लिए खेलो, ई स्पोर्ट्स में कोई गन का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है ना, आप बिना गन स्किन्स पे चलेगा, क्योंकि वहां पे
गन डैमेज होता ही नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा गन डैमेज जो होता है वो होता ही नहीं है, गन स्किन्स खाली स्किन्स होती है, एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड साथ ही में उसी के मीन्स अगर देखो आप किसी को हार्म करोगे या कुछ करोगे, सोच के देखो सिर्फ इतने से गेम के लिए आप किसी को हार्म करोगे, अरे जेल भी हो सकते हैं भाई आपको, या फिर आपकी सोचो आप किसी को हार्म करने जा रहे हो, उल्टा अगर वो अपनी जान बचाने के लिए आपको हार्म करना स्टार्ट कर दिया तो आपके भी आपको भी तो लॉस हो सकता है। मतलब अगर छोटी सी चीज के लिए इतना सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये सब है ना कसम से खुद मैं सीजन 2 है मेरे पास और देख लो मैंने क्या पहन रखा, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब दिखाना ही बंद कर दिया। आज तुम अगर आज मेरी वीडियो देखी हुई किसी ने तो उसमें मैंने उसके अभी से मैं सीजन 2 पहनना ही छोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि लोगों का शौक ही खत्म करना है भाई ये सब। मैं ऐसा चड्डी में पहन के घूमूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि लोगों को मेरे को इससे अपने आप से इंस्पायर करना ही नहीं है कि भाई आवारा के पास सीजन 2 है तो मैं सीजन 2 चाहिए मेरे को, इसके लिए मैं स्कैम करना स्टार्ट करूँ या मेरा एक्स्ट्रा लेवल माइंड चलाना स्टार्ट करूँ कि मैं कैसे स्कैम कर सकता हूँ, भाई उसकी नीड नहीं है आप लोग को। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के लिए अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करो, ना कि स्कैम के लिए अपने माइंड को इम्प्रूव करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है स्कैम के लिए अपने माइंड को इम्प्रूव करके, 2-4 दिन का शौक है वो खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं। देख यार ये मेरे को भी बहुत सुनने में आया है, मेरे को ये लगता है जो बच्चे खेलते हैं ना उनके मम्मी पापा समझना चाहिए और अपने बच्चों को टाइम निकाल के उनको समझाना चाहिए, जैसे कि वो किसी दूसरे को देख के वो अपना उन जैसे बनने के लिए भी करते हैं, कई बच्चे होते हैं मैंने देखा है, तो अगर घर वाले, मैं सोचता हूँ कि टाइम निकाल के अपने बच्चों को समझाए कि ये ऐसा होता है तो चांस है कि मतलब बहुत ये घटनाएं कम हो सकती है, मतलब यस डेफिनेटली। तो यार गाइस मैं यही चीज बोल रही थी कि यार देखो फैमिली वालों को समझना चाहिए, ठीक है, जितना होगा ना जितनी चीजें अच्छी होगी ना अगर फैमिली मेंबर्स अपने बच्चों को समझाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगी वो चीजें। अगर घर वाले टाइम निकाल के अपने बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों का भी वो होगा, क्योंकि अगर घर वाले एनी टाइम मना करते रहते हैं कि गेम मत खेलो मत खेलो तो बच्चे का भी माइंड सेट वैसा हो जाता है कि हमें मना कर रहे हैं तो हम करेंगे। हमेशा यही होता है हमारे साथ भी, यही होता है जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो चीज हम ज्यादा करते हैं, तो बेटर है कि देखो फैमिली मेंबर्स अगर नहीं भी समझाता बट अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी है लाइक आपके फ्रेंड्स है तो एटलीस्ट आप अगर बड़े हो, ठीक है, आप समझते हो इन चीजों को तो एटलीस्ट उनको ये चीजें समझाओ कि ये चीजें गलत है, ठीक है, ये चीजें ना करें। टाटा, होपफुली तुम लोगों को चीजें समझ में आई होगी और तुम लोग अपनी इन फ्यूचर आगे वाली आने वाली लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में इसको अप्लाई करोगे एंड अच्छी चीजें सीखी होगी तुम लोगों ने सबसे, ठीक है, क्योंकि सबने अलग अलग अपने ओपिनियंस दिए तो उन पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, मेरी बातों पे करो ना करो, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी चीजें बोली तो थोड़ा सा गौर जरूर से करना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।